और अब हमको यहाँ से जाना ही पड़ेगा। तो हमने कहा तुम लोग कौन हो? बोले हम लोग अधोगति को प्राप्त जीवात्माएं हैं, हम लोग सब भूत प्रेत हैं। कितनी संख्या है? तो कहा 11। हमने न तो ठीक से श्रीमद् भागवत लगाई, ना ही ठीक से श्री भक्तमाल ग्रंथ को लगाया, और रामचरितमानस तो बिल्कुल भी नहीं लगाया। एक दिन भी कहीं पोथी खोल के पढ़ने नहीं गए। ये विशेषता नहीं है, ये न्यूनता है, ये कमी है। ग्रंथ को परंपरा से, गुरु प्रणाली से, परंपरा से ग्रंथ को आद्योपांत सुनना चाहिए और इसके बाद उसको कहना चाहिए। पर ये कचाई रह गई तो भी हम कुछ कह सुनकर अपनी वाणी को पवित्र कर लेते हैं। और संयोग भी कुछ ऐसा ही रहा, श्रीमद् भागवत की सबसे पहली कथा जयपुर में तारकेश्वर महादेव के सामने वाली गली में, जहाँ लोहा मंडी है, वहाँ कथा हुई, सबसे पहली भागवत जी की कथा। उसके पहले न भागवत लगाई थी, ठीक से एक आद्योपांत मूल पारायण भी नहीं किया था, लगाने की बात तो दूर ही रही। और ऐसी परिस्थिति आ गई कि हमको वहां जाने का विधान बना। पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज की वहां कथा थी, पूर्व निश्चित एक संत के माध्यम से कथा थी, और उसी समय पूज्य रहवासा महाराज आ गए और उन्होंने श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी की ग्रंथावली महाराज जी के संपादकत्व में प्रकाशित हो, अग्र जयंती पर ही प्रकाशित हो, ये उन्होंने आग्रह किया। और शास्त्री जी, महात्माओं का काम ऐसे ही होता है, महात्मा सा ही होता है। माघ शुक्ल पंचमी, बसंत पंचमी से महाराज जी की कथा होनी है, कहाँ? जयपुर में। और विवाह पंचमी हो गई, उसके बाद वो पुरानी पांडुलिपि वगैरह कुछ लेके आए, बोले महाराज जी अग्र ग्रंथावली छपना कब? अब इतना कम समय, उस समय कंप्यूटराइज टाइप नहीं थी, ऐसे ऐसे अक्षरों को संयोजन करके करना पड़ता था। महाराज जी कैसे भी करके अग्र जयंती पर, माने फाल्गुन शुक्ल द्वितीया, जिसको फुलेरा द्विज कहते हैं, अग्र जयंती पर इसको प्रकाशित होना है, विमोचन होना है इसका। तो महाराज जी ने कहा है तो भाई आचार्य पीठ की सेवा है, सब काम छोड़ के करना पड़ेगा, क्योंकि समय इतना कम है कि इतने कम समय में पूरी कोशिश करें। अब वो संत आए तो महाराज जी ने कहा कि देखो भाई ऐसा है महात्मा जी, हमारी तरफ से अस्वीकृति तो नहीं है, हम तो स्वीकृति एक बार कर चुके हैं, इस समय में आपको परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि एक महापुरुष की आज्ञा हुई है और आचार्य पीठ में ये उत्सव है, उसमें ये प्रकाशित होनी है, तो हम कथा में समय नहीं दे पाएंगे। उन्होंने कहा महाराज जी वो तैयारी तो लगभग हो चुकी है और उसमें परिवर्तन नहीं संभव है। महाराज जी बोले वृंदावन में व्यासों की कमी नहीं है, किसी भी भागवत वक्ता को ले जाओ, बहुत भाग वक्ता मिल जाएंगे,
हमारा न रंग अच्छा, न रूप अच्छा, न वाणी अच्छी, न प्रवचन की कला अच्छी, गाना बजाना नाचना हमको आता नहीं है। महाराज जी के शब्द हैं, और आपके सौहार्द से आग्रह से हम जा रहे थे, लोगों को संतोष नहीं होता। अच्छा वक्ता वृंदावन के कोई ब्रजवासी ब्राह्मण जाएंगे तो सुनने वालों को भी संतोष होगा। तो महात्मा बोले, या तो आप जाओ या हमारे लिए बैठ, हम वहीं बैठे थे, या बोले पंडित जी को भेज दो। हमारे लिए उन्होंने कहा पंडित जी को भेज दो। वे महात्मा कुछ दिन हमसे लघु सिद्धांत कौमुदी भी पढ़े थे, और बड़े विनोदी महात्मा थे। महंत बन गए वो जयपुर में, तो उसके बाद हमको एक बार मिले तो बोले गुरुजी दंडौत। हमने कि कैसे हैं आप, तो बोले झलाम झस झसी हरिदास फसी। क्या बोले? झलाम झस झसी हरिदास फसी, ऐसे विनोदी महात्मा। तो बोले पंडित जी को आप भेज दीजिए। महाराज जी बोले तुम चले जाओ। हमने कहा महाराज जी हमने एक घंटा भी तो कथा नहीं कही भागवत जी की, हम भागवत जी पढ़े नहीं, ठीक से मूल पाठ भी नहीं किया। महाराज जी बोले देखो तुम व्याकरण के एक छात्र हो, अर्थानुसंधान तो होता ही है उनकी, हाँ आपकी कृपा से होता है, और हमारे साथ रहे हो, कई कथाएं हमारी सुन चुके हो। हमने कहा हाँ सुन भी चुके हैं, तो उसी का आश्रय लेकर के मूल ग्रंथ सामने रहेगा, पोथी सामने रहेगी, कुछ कहना है कह देना, क्या है, महात्मा का आग्रह है चले जाओ, बहुत बढ़िया कथा कहोगे, कोई चिंता मत करना, चले जाओ, मेरी आज्ञा है। जब उन्होंने कह दिया मेरी आज्ञा है, तो आगे हमारे कहने का कोई प्रश्न ही नहीं रहा, पर मन में संकोच जरूर था। फिर पूज्य श्री गुरुदेव खाकचौक वाले महाराज जी से भी पूछा, महाराज जी ऐसे ऐसे महाराज जी की आज्ञा है, जयपुर में कथा होनी है। तो महाराज जी बोले जाओ विजय होगी। माघ शुक्ल तृतीया को हमने वृंदावन से जो नाथद द्वारा बस जाती है ना, उसी रोडवेज की बस में हम लोग बैठ गए। ऐसी जाते थे पहले, गाड़ी कार थोड़ी उपलब्ध थी, बैठ गए रोडवेज की बस में और वहाँ जयपुर पहुँचे। फिर वहाँ वो लेने आ गए थे, उनके बाद वहाँ चले गए, एक रात वहाँ रुके उन महात्मा के यहाँ, और उसके बाद फिर कथा शुरू। तो महाराज जी ने, पहाड़ी बाबा महाराज ने कहा जाओ विजय होगी, तो उनसे बोलने की हिम्मत तो थी नहीं कि विजय को हम लड़ाई लड़ने थोड़ी जा रहे, युद्ध करने जो विजय होगी, जाओ विजय होगी। तो हम अपने मन में सोचने लगे कि हम युद्ध के लिए थोड़ी जा रहे हैं जो विजय होगी। पर वहां पहुंचने के बाद जब प्रत्यक्ष भूत प्रेतों का उपद्रव, जिसको हम कभी सुना करते थे, उसको अपनी आंखों से देखने का अवसर मिला, और वह पहली ही कथा भूत प्रेत के उद्धार के लिए थी, और अब आपको हम क्या कहें, माघ शुक्ल चतुर्थी को हम उनके भवन में रुके और स्वयं संध्या करके पाठ कर रहे थे। सर्दी का समय था, पैर पे कंबल डाले थे, और ऐसी ट्यूबलाइट के प्रकाश में चौक में हमको वो भयंकर आकृतियां दिखाई पड़ने लगी, और श्री गुरु कृपा से, भगवत कृपा से कुछ अनिष्ट नहीं हुआ। लेकिन अब बार बार उन्होंने कोशिश की मेरे निकट पहुंचने की, पर वे निकट नहीं पहुंच सकी, और प्रणाम किया देहली पर सिर रख के। और हमको इतना पक्का स्मरण है कि उन्होंने कहा कि हम आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, और अब हमको यहाँ से जाना ही पड़ेगा। तो हमने कहा तुम लोग कौन हो? बोले हम लोग अधोगति को प्राप्त जीवात्माएं हैं, हम लोग सब भूत प्रेत हैं। कितनी संख्या है? तो कहा 11। कहाँ रहते हो? फिर मैंने पूछा कहाँ रहते हो? बोले हम तहखाने में रहते हैं। हमें पता नहीं था इनके घर में कोई तहखाना भी है, और वो तो घटना तो सामने से तुरोहित हुई, और हमारा कोई बात नहीं, हमारा सारा शरीर
एकदम पसीने में डूब गया, सर्दियों में पसीना आ गया। भले ही हम बोल रहे हैं लेकिन वो भयंकर आकृति देख के हमारे भी पसीना हो गए। पाठ कर रहे थे वो भी हम भूल गए, क्या पाठ कर रहे थे भूल गए। फिर एक बार मन में आया, नीचे पंडित जी लोग सब सर्वतो भद्रादि बना रहे थे, तो सवेरे से कथा होनी थी, दो समय कथा होती थी। तो एक बार मन में आया कि इन लोगों को सावधान कर दें, ब्राह्मणों को, कि ऐसी ऐसी घटना अभी अभी घटी है। फिर द्वारा मन में आए कि कहीं सुन के ये लोग कार्यक्रम के पहले ही भाग न जाएं, तो उस बेचारे का कैसे होगा। तो फिर मन में सोचा कि नहीं, कहना नहीं चाहिए। पर हम ऊपर से सीताराम सीताराम बोलते हुए ऊपर से नीचे उतर के आए, कहा आप सोए नहीं? तो हमने कहा कि बाद में सोएंगे, नींद नहीं है, यहीं बैठेंगे। वहीं बैठे रहे। बोले आप कैसे ऐसे उतर के कैसे आ गए? पूछा। हमने कहा ऐसी चले आए उतर के। एक बात कहना हमें बहुत ज़रूरी है, यहाँ सकाम अनुष्ठान है और कुछ प्रेत बाधा है, उसके निवृत्ति के लिए कथा है। तो जितने लोग हैं सब बहुत पवित्र रहना, अपवित्र ना आसन रखना, और जलादि लेकर लौशंका जाना, शौचायत पूरा स्नान करना, खूब पवित्र रहना, सावधान रहना, जिससे भगवान से प्रार्थना करना कि जो जीव हैं उनका कल्याण हो, नहीं तो कुछ घटना घट जाती है ऐसे सकाम अनुष्ठानों में। ऐसा मैंने सावधान कर दिया और भगवत कृपा से वो कथा संपन्न हुई। मंगलाचरण तो हमें कंठस्थ था, तो मंगलाचरण तो हमने बोल दिया। इसके बाद क्या कहना पड़ता है भाइयों बहनों श्रद्धालुओं, ये सब भूल गए। तो फिर एक बार ऐसा हो गया कि आ गया, हम क्या कहें, औज नहीं बैठ रही थी, क्या कहें हम। तो तत्काल रामचरित मानस की एक चौपाई हमारे स्मरण में आई और उस चौपाई को मन ही मन उच्चारण करके हमने पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी की नखमणि चंद्रिका का ध्यान किया। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, केवल इसी चौपाई का हमने मानसिक उच्चारण किया और श्री गुरुदेव के चरणों का स्मरण किया कि आप कृपा करो तो हम कुछ बोलें। और उसी समय समर्थ सद्गुरु भगवान ने अनुग्रह किया, उनकी कृपा से तब से लेके अब तक बोलते ही चले आ रहे हैं।